हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं पोल्ट्री मैनेजमेंट एंड पोल्ट्री की जानकारी चैनल और मैं हूं आपका दोस्त अजय ठाकुर। दोस्तों, आज हमारा सब्जेक्ट है मैनुअल से ऑटोमेटिक मिक्सर कन्वेयर प्लांट। इसके बारे में हम बताने वाले हैं आपको। ये आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक मिक्सर है छोटा सा और ग्राइंडर मशीन है, ठीक है, और वो सामने रखा है कन्वेयर। मतलब जो हमारे बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर, बहुत सारे किसान भाई, बहुत दिन से रिक्वायरमेंट थी सर कि जो अपनी मशीन है, हैमर ग्राइंडर मशीन है, इसको हम ऑटोमेटिक कर सकते हैं क्या। तो हमने इसी मशीन को ऑटोमेटिक किया है दोस्तों। इसी पे हमने मिक्सर और कन्वेयर लगाया है जो कि खुद माल उठाएगा, खुद ग्राइंड करेगा और खुद बनाएगा, ठीक है। जो काम आपका 5-5, 6-6 लाख रुपए में होता है, वो हमने बहुत ही कम, आपकी मशीन वही काम आ जाएगी, बहुत ही कम कीमत में हम तैयार करवा देंगे। दोस्तों, वीडियो चालू करें उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी जानकारी हम लेकर आए उसका पूरा लाभ आपको मिले। दूसरी बात, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं दोस्तों। जो भी आपके सुझाव हैं, सवाल हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं कमेंट करके। आज हमारे साथ में यूपी से गेस्ट आए हैं, मैं आपका परिचय करवाने वाला हूँ। सबसे पहले विक्रम जी हैं यूपी रायबरेली से। सर हमारा वीडियो देखते हैं और पोल्ट्री फार्मर है, पोल्ट्री किसान है। सर ने डिसाइड किया कि हमें भी फीड बनाना चाहिए, तो सर रायबरेली से यहाँ पर आए। और हम सर क्या नाम है आपका? अर्पित राजपूत। अर्पित जी लखनऊ से, अर्पित राजपूत जी आए। सर भी पोल्ट्री फार्मर हैं, दोनों अलग अलग जगह से आए और सर भी पोल्ट्री किसान है। सर भी काफी दिन से वीडियो देख रहे थे, सर्च कर रहे थे और सर ने भी डिसाइड किया कि हमें भी खुद फीड बनाना चाहिए। और दोस्तों, सभी को बनाना चाहिए, क्योंकि मैं जैसा कि अभी सर को बता रहा था कि एक्चुअली जो हम बिजनेस कर रहे हैं, जिसे हम पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस बोलते हैं, ये पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस है ही नहीं, ये फीड का बिजनेस है। भाई, आप चूजा एक बार लेते हो, 20-30 रुपए का चूजे पे खर्च करते हो, बाकी हमारा जो पूरा पैसा है वो फीड पे खर्च होता है। अगर आप 1 लाख रुपए खर्च करते हैं तो 30,000 रुपए में बाकी आपका सब काम हो जाएगा और 70,000 रुपए सिर्फ आपको फीड पे खर्च करना होते हैं। तो 70% पैसा हमारा फीड पे खर्च हो रहा है, तो फीड का ही बिजनेस हुआ ना सर। फीड पे डिपेंड है कि मुर्गा एफसीआर लेगा कि नहीं लेगा, वजन लेगा कि नहीं लेगा, कितना दाना खा के कितना वजन लेगा, मुर्गा बीमार होगा कि नहीं होगा, क्या कोस्टिंग में मुर्गा तैयार होगा, सब कुछ फीड पे ही डिपेंड है दोस्तों। वो फीड ही हम नहीं बनाते। खैर, बहुत सारे उसमें वीडियो में हम फीड के विषय में बात कर चुके हैं। मैं सर से परिचय करा देता हूँ आपका। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर क्या नाम है आपका और पता क्या, बताइए। मेरा नाम विक्रम, थोड़ा सा तेज बोलिए, पास में ले आइए सर। मेरा नाम विक्रम सिंह है और मैं रायबरेली से आया हूँ। और मैं हमेशा अजय सर के वीडियो यूट्यूब पे देखता था और सोचा कि हम भी चल के मशीन परचेस करें और अपना फीड खुद बनाए फार्म पे, क्योंकि रेडीमेड फीड हमें बहुत ही महंगा पड़ता था। थैंक यू सर। अब मैं आपका परिचय अर्पित सर से कराता हूँ। अर्पित राजपूत जी लखनऊ से हैं सर। सर अपना परिचय दीजिए प्लीज। मेरा नाम अर्पित राजपूत है, मैं लखनऊ से हूँ और मैं भी काफ़ी दिनों से सर की वीडियोज़ देख रहा था अपने चैनल, सर के चैनल पर। और फिर कुछ समय बाद मुझे लगा, अभी मुझे मतलब स्टार्टअप ही मेरा काम करने का, लेकिन जब मैंने देखा जो 80-90% जो कॉस्टिंग होती है फीड की, ये टोटल मार्केट पे डिपेंड है, जो हम लोग लाते हैं सब टोटल पैसा उसी में जाता है। तो मुझे लगा जब खुद का फीड होगा तभी इस बिज़नेस को करने में सही है, तभी चांसेस हैं थोड़ा सा प्रॉफिट कमाने में, अदरवाइज़ तो लॉस ही है। तो इसलिए हमने सर, अगर साथियों हम फीड नहीं बनाएंगे, चाहे कोई भी हो सर, चाहे कोई भी हो, बड़े से बड़ा फार्मर हो, चाहे पुराना फार्मर हो, चाहे कोई भी हो, अगर फीड नहीं बनाओगे आप, तो पैसा तो आप कमाएंगे, ठीक है, लेकिन बचेगा नहीं। कमा के आप अगले को दे दोगे। आप कितना भी अच्छा वजन ले लो, कितना भी अच्छा मुर्गा पाल लो, कितना भी अच्छा एफसीआर ले लो, कितना भी अच्छा मुर्गा तैयार कर लो, कितना भी अच्छा रेट ले लो, लेकिन बचेगा कुछ नहीं। क्योंकि भाई जो हम पैसा कमाएंगे, कमा के खाने में दे देंगे, फीड वाले को, डीलर को दे देंगे। तो फीड बहुत जरूरी है सर। भाई आपने अगर फीड बना लिया तो आप पोल्ट्री कर लोगे, अगर आपने फीड नहीं बनाया तो आप पोल्ट्री नहीं कर सकते। आइए अब हम दिखाते हैं। देखिए, ये हमारा ऑटोमेटिक मिक्सर कन्वेयर प्लांट हमने बनाया है। सर ये दिखाइए, इस पे हमने पोल्ट्री फीड हैमर ग्राइंडर जो मशीन आप देखते हैं, जो आप चलाते हैं, इसी मशीन को हमने इस पे फिट किया है दोस्तों। और ये 300 kg का मिक्सर बनाया है, ठीक है। आप देखिए, वही पोल्ट्री फीड मशीन है जो आप चलाते हैं, ठीक है। इसको हमने दोस्तों ऑटोमेटिक किया है। अब ये देखिए, ये मिक्सर है अपना,
ये मिक्सर है और यहाँ पे जो है कन्वेयर लगने वाला है, ये कन्वेयर है, देखिए ये रखा हुआ है, ठीक है। ये कन्वेयर सर यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, यहाँ से जो है ये उठा के इसमें डालेगा ग्राइंडर मशीन में, ठीक है। ये मशीन इसकी कटिंग करेगी, कटिंग करने के बाद में इसमें मिक्सर में देगी और मिक्सर में मिक्स करने के बाद में ये आपका बाहर बैग में निकल जाएगा। दोस्तों ये एक बहुत ही हमने अच्छा कम रेट में और छोटा प्लांट बनाया है, इससे आपका जो पोल्ट्री फीड हैमर ग्राइंडर मशीन है पूरी ऑटोमेटिक हो जाएगी और पूरा वही काम करेगा जो आपका 6-7 लाख रुपए का प्लांट काम करता है, वही पूरा काम आपका ये बहुत कम पैसे में हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपका पूरा फुल जो ग्राइंडर मशीन है पूरा आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, खुद कन्वेयर उठाएगा, कटिंग करेगा, मिक्सर को देगा, मिक्सर आपको निकाल के बैग में निकाल देगा, ठीक है। और जो लोग पहले मशीन ले चुके हैं, जो पहले से मशीन का उपयोग कर रहे हैं, वो लोग भी इससे इसमें ये ऐड करवा सकते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप ऐड करवाएं, आप ऐड नहीं भी करवाते हैं तो भी आपका मशीन पूरा वही वर्क करता है, क्योंकि अपना मशीन जो चलता है सर वो 3000 RPM से चलता है। इसमें हैमर दिया है, हमने थ्रेसर मशीन की टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, ये देखिए दिखा देता हूँ मैं एक बार फिर से, इसमें जो ये हैमर लगे हैं ये 3000 RPM से घूमते हैं, ऊपर जो एंगल लगे हैं इस पर उठा के ये मारते हैं, ठीक है। तो इस पर जब मटेरियल गिरता है सर तो 3000 राउंड से घूमता है, तो कटिंग भी होती है प्लस मिक्सिंग भी होती है, ठीक है, और दोनों काम आपका हो जाता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है, अलग अलग वो रहते हैं कि भैया हमें मिक्सर चाहिए, तो उनके लिए हमने ये बनाया है जो कि इसी मशीन पर ये पूरा फिट हो जाएगा। दोस्तों इस ऑटोमेटिक मिक्सर कन्वेयर प्लांट के विषय में अगर आपके सुझाव हैं या आपको लेना है या आपको प्राइस जानना है तो आप हमें कॉल करके पूरा डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी मैनुअल मशीन को ऑटोमेटिक बना सकते हैं। साथियों उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें बताएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।